ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान में रखो। ये डिक्टेटर है, ये हुकुमशाही के लोग हैं, ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? आप संविधान को बचाएंगे या नहीं? अरे सब बोलो बीच में उधर, बचाएंगे संविधान को, हम बचाएंगे। उसी के साथ जमहूरियत को, लोकशाही को, हम सब लोकशाही को बचाएंगे, बचाएंगे, ये बचाकर अपने जिंदगी को हमारे, ये इलेक्शन हमारे लिए, हम खुद के लिए मेहनत करने के लिए या खुद के लिए बचने के लिए ये जरूरी है। ये क्या अमीर लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग कहीं भी बसते हैं, लेकिन हमको जो हक मिला है, वो हक जो छीनना चाहते हैं, उसके लिए हम हिफाजत करना जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों को मैं यही विनंती करता हूं, कम से कम अपने लिए, अपने हिफाजत के लिए तुम ये काम करो, और किसी के लिए नहीं। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे, और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण चाहे आदिवासियों का हो, दलितों का हो, या पिछड़े समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण खत्म करेगी, ना कांग्रेस खत्म करना चाहे तो उसको हम खत्म भी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये लोग झूठ का व्यापार